चलिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मुकाम पर जहां पर अब हम प्रैक्टिकल कीवर्ड को रिसर्च करेंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सर्च इंजन है यानी कि गूगल के ऊपर किस तरह से आप जो है बेस्ट कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल आज के इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी जो है कि हमारे साथ में कोर्स में बने हुए हैं तो चलिए आज जो है हम देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकली गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करके आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या क्या टेक्निक्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, प्रैक्टिकल सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। और गाइस आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको जो है इस तरह के कोर्सेज पसंद है या इस तरह का कंटेंट पसंद है जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बिकॉज इसके ऊपर में हम डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं सभी से रिलेटेड वीडियोस इस पूरे चैनल के ऊपर में पब्लिश करते रहते हैं। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि कैसे गूगल का इस्तेमाल करके कीवर्ड को फाइंड आउट किया जाता है। एंड डेफिनेटली आने वाले वीडियोस के अंदर हम पेड टूल्स का भी इस्तेमाल करके या फ्री टूल्स का भी इस्तेमाल करके कीवर्ड को कैसे रिसर्च करा जाता है वो मैं आपको बताने वाला। सो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कीवर्ड कैसे रिसर्च करने हैं बाय यूजिंग गूगल। आज के इस वीडियो के लिए हम सिर्फ गूगल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ गूगल, राइट। गूगल ओपन करने के बाद google.com पे आने के बाद में, बिकॉज मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दी टेक्निक्स, क्योंकि टेक्निक्स नहीं समझोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जो आप मिस कर सकते हो। तो चलिए अभी यहां पर गूगल की हेल्प कैसे ले सकते हैं, क्योंकि गूगल जो है एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है तो यहां से आपको बेस्ट कीवर्ड्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसका फ्री टूल का ही इस्तेमाल करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सर्च इंजन भी है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ, मेरा जो वर्ड है दैट इज सिक्योरिटी सर्विसेज इन जोधपुर, राइट। सिक्योरिटी सर्विसेज इन जोधपुर मैंने यहाँ पे सर्च करा तो यहां पर मेरा एक कीवर्ड तो मैंने क्या करा खुद ही लिख दिया यहां पर। लेकिन क्या इतना ही, ये तो मेरा सोचना है कि मैं क्या सर्च करना चाहता हूं। सो बेसिकली मैंने एक ये कीवर्ड लिख दिया। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये गूगल कैसे हमें हेल्प करता है, सीधा स्क्रॉल डाउन करो नीचे साइड पे तो आपको रिलेटेड सर्चेस के अंदर जिसको हम LSI कीवर्ड्स भी बोलते हैं, तो यू कैन सी यहां पे सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर है ना, तो नाइट सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर सैलरी, तो नाइट सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर, 8 आवर सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स नियर मी, ATM सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स हो गया, देन उसके बाद में IIT जोधपुर सिक्योरिटी गार्ड हो गया, देन सिस सिक्योरिटी जोधपुर कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, राइट। तो ये कुछ आपके कीवर्ड्स हैं जो आपके रिलेवेंट आपको लग रहे हैं तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सिस लिखा है, IIT लिखा है और MSF लिखा हुआ है, सो ये आपके क्या है, ये स्पेसिफिकली आपके नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं। तो हमें नेविगेशनल अभी इस्तेमाल नहीं करने, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं लाइक सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर, तो नाइट सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर, नाइट सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर, यू कैन सी ये वही चीज वापस रिपीट होगी, 8 आवर सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर कर सकते हैं या नियर मी कर सकते हैं। नियर मी तो कहीं के लिए भी यूज हो सकता है बट हमारा जो मेन है वो जोधपुर के लिए, तो वी कैन ऐड इन जोधपुर, राइट। तो ये तरीका हो सकता है एक आपका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक्सेल शीट रेडी करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कीवर्ड और इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, कीवर्ड्स लिखने स्टार्ट करने। तो सबसे पहला कीवर्ड हमने क्या करा, सिक्योरिटी गार्ड वाला आ गया। दूसरा हमने यहां पे क्या करा है, सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर, तो हम यहां पे कर देते हैं सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर, तो ये भी हमारा एक कीवर्ड हो गया। तो इसको जरा और बड़ा कर लेते हैं। तो और इसके बाद में हमें क्या चाहिए, नाइट सिक्योरिटी गार्ड, तो ठीक है हम यहाँ पे जो है इसी को मैं बेसिकली कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और उसके स्टार्टिंग में हम बात कर लेते हैं नाइट सिक्योरिटी गार्ड, बिकॉज देयर आर सर्टन लोग जो हैं वो सिर्फ नाइट में, उनको डे टाइम में कोई सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने कवर कर दिया 8 आवर्स, यानी कि कुछ हम चाहते हैं कि भाई अगर 8 आवर्स के लिए कोई अगर कर सके या तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ बिकॉज इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जो है कोई सर्च करते होंगे। तो यहाँ पे ATM सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन जोधपुर, ATM जो है और
एटीएम का वैसे आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आज की डेट की अगर बात करें तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि एटीएम के ऊपर में आज की डेट में आपको गार्ड दिखाई देते नहीं है, बिकॉज अब वो अभी बंद कर दिए गए। तो अगर मैं इस कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो डेफिनेटली मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इस तरह से यहां पर मैंने निकाल लिया। अब यहां पर और क्या सर्च कर सकते हैं, राइट? तो अभी इससे दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, एक तो ये कर लिया और दूसरा हम यहां पे क्या कर सकते हैं। अब देखो यहां पर मुझे अगर देखता हूं तो मैं यहां पे कुछ और नहीं लिख रहा हूं। यहां पे देखो यहां पे क्या लिख रहा है, नाइट सिक्योरिटी गार्ड जॉब सिन हमने कर दिया और ये आपका वही सब चीजें लिखी हुई है। तो मैं अब इसमें से धीरे 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 थोड़े से हटाते चलता हूं। तो क्या क्या मुझे बेसिकली कीवर्ड जानने हैं, तो यू कैन सी यहां पर जो है सारी सिटीज लिखी गई। मैं और पीछे आता हूं सो दैट आई कैन सी, तो यहां पर जो है यू कैन सी यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जो मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर आप चाहें, एक और टेक्निक होती है यहां पर कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए, आई डोंट नो कि इसमें लिए आएगा कि नहीं आएगा। तो बेसिकली आप अगर इन दोनों वर्ड्स के बीच में, सिक्योरिटी एंड सर्विसेज के बीच में अगर कोई वर्ड्स हैं, क्या उनको कोई सर्च करता है कि मुझे नहीं पता भी है कि नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे इसमें जो है एक बैक स्पेस खत्म करूंगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस दे के एक अंडरस्कोर डाल के फिर स्पेस देता हूं। तो यू कैन सी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब कोई भी चेंजेस नहीं हुए तो विच मीन्स इसके बीच में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो लोग सर्च करते होंगे। अब आप बोलोगे सर इसको प्रूव करो, तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और काम कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर देता हूं नेटवर्किंग कोर्सेज, राइट? एग्जांपल के लिए नेटवर्किंग कोर्सेज, अभी मैंने एक डिफरेंट कीवर्ड लिया। अब इसके बीच का कोई मुझे नहीं पता करता कि नहीं करता, सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहां पे स्पेस खत्म करके अंडरस्कोर डाल के करता हूं। तो यू कैन सी इसके बीच में आपके ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है सर्च करने के लिए, नेटवर्किंग ट्रेनिंग कोर्सेज, नेटवर्किंग रिलेटेड कोर्सेज, नेटवर्किंग फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी कोर्सेज, नेटवर्किंग क्लाउड कोर्सेज। सो यू कैन सी अगर आपको किसी दो या वर्ड के बीच के अगर कोई ऐसे की वर्ड्स है जो आप नहीं पता है आपको कोई सर्च किए जाते कि नहीं किए जाते, तो आप यहां पे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अगर इसके बाद की अगर बात करें तो यू कैन सी आप अपने कंपिटिटर से भी चेक कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे वापस लिख देते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज इन जोधपुर, वापस सर्च करते हैं एंड यहां पर आपके जो कंपिटिटर्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। लोग यू कैन सी टॉप सिक्योरिटी सर्विसेज इन जोधपुर, तो ये भी जो है आपकी एक कीवर्ड हो सकता है। तो हम यहाँ पे वो यूज कर लेते हैं, टॉप सिक्योरिटी सर्विसेज इन जोधपुर, तो ये कीवर्ड हो गया। और आपका क्या हो गया यहाँ पे, द टॉप सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर गार्ड इन जोधपुर, तो ये भी आप यूज करना चाहते हो बिकॉज ये जस्ट डायल ने यूज कर रखा है यहाँ पे। एंड सिक्योरिटी गार्ड इन जोधपुर, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड इन जोधपुर, ये भी कर सकते हैं, इससे भी सर्च किया जाता है। फिर सिक्योरिटी सर्विसेज इन जोधपुर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, टॉप 10 से ये भी छोड़ दो अभी। और नीचे यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पर ये तो नेविगेशनल पे चला गया। तो इस तरह से हम कुछ यहां से भी कीवर्ड ले सकते हैं। अभी मैंने किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं करा, सिर्फ एक गूगल का इस्तेमाल करके मैंने ये देखा कि लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं और मेरा जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स मुझे मिल सकते हैं। सो बेसिकली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वह तब तक आप चीजों को अच्छे से कीवर्ड्स को रिसर्च नहीं कर पाओगे, राइट? और किसी भी एक पेज के लिए बहुत ज्यादा कीवर्ड्स भी नहीं यूज कर सकते, तो आपको जो है बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसके बाद में जो रिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं वो आपको फाइंड आउट करके टॉप पे ला सकते हो। तो यू कैन सी हमें यहां पे जो है 1, 2, 3, 4, 5 कीवर्ड जो है वो बेसिकली सिर्फ गूगल पे सर्च करने पे मिल गए। अब इन कीवर्ड्स के साथ में हम कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे और वहां से भी हम कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको गूगल का इस्तेमाल करके किस तरह से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और कितनी तरीके के कीवर्ड निकाल सकते हैं वो आपको यहां पर समझ में आया होगा। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हो। मैंने यहां पे बिकॉज बहुत ही डिटेल में नहीं मुझे आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना था, आपको कंफ्यूज नहीं करना था, इस वजह से मैंने यहां पे सिक्योरिटी सर्विस का इस्तेमाल करा। आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए से फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर करते हैं क्लीनिंग सर्विसेज
इन जोधपुर कर लेते हैं, जोधपुर, ये हमने क्लीनिंग सर्विसेज इन जोधपुर करा। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको डिफरेंट क्लीनिंग को आप होम वर्ड भी हो सकता है, बाथरूम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, डीप क्लीनिंग हो सकता है, राइट। तो ये इसको तो हम छोड़ देंगे कि वो उसमें आपका जो है नेविगेशनल हो गया, देन होम की हो गई, राइट। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज हो गई। तो इस तरह के जो है आप कीवर्ड्स का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो विद जस्ट आपके गूगल के सर्च इंजन का इस्तेमाल करके। सो आई होप कि आपको गूगल के सर्च इंजन को इस्तेमाल करके किस तरह से आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ये आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसके बाद में हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में जो है वहां से कैसे कीवर्ड्स हमें मिलते हैं वो भी हम आने वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको ये SEO कोर्स जो है पूरा पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप SEO एक्सपर्ट बनना चाहते हैं बिगनर से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, एक्सपर्ट लेवल तक, तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।